हेलो एंड जय भारत एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग जय भारत एवरीवन फटाफट से सब लोग आ जाएं फिर क्लास हम शुरू करेंगे ठीक है जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत एवरीवन फटाफट फड़ से आ जाओ जय भारत एवरीवन जल्दी से आ जाओ सब कहां रह गए सब हैं? खाना पीना खा रहे हो क्या जय भारत तो लास्ट क्लास में मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था नस्ट इक्वेशन जिसने बहुत सारे लोगों की बुद्धि नष्ट कर दी होगी फिलहाल आप बताओ कि आपको समझ में आ गया था क्या आपने ढंग से रिवाइज किया है क्या कि आपने ढंग से रिवाइज किया है आपको समझ में आया था नस्ट इक्वेशन जिसने लोगों की बुद्धि नष्ट कर रखी है जल्दी बताओ उसके बाद आज का क्लास शुरू करें क्योंकि आज हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन जो नस्ट इक्वेशन हमने कल पढ़ा है उसी पे ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं वो हम सीखने वाले हैं तो फटाफट से बताओ शुरू किया जाए जल्दी से बताएंगे है ना उतना ही जल्दी रिप्लाई करोगे जितना जल्दी समझ रहे हो यस सर वाह बहुत ही पढ़ाकू हो तुमने तो रिवाइज भी कर लिया है बहुत अच्छा लाजवाब जबरदस्त ठीक है तो शुरू करते आज का प्यारा सेशन तगड़े जोश और जुनून के साथ सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्लास में हमने इक्लेवरियम uh, कांस्टेंट निकालना सिखा था कि कैसे हम नस्ट इक्वेशन का यूज करके इक्लिवरियम कांस्टेंट निकालते हैं किसी रिवर्सवल रिएक्शन का तो आज उसी सिलसिले को है ना जारी रखते हुए जैसे लास्ट क्लास में मैंने इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट पे ढेर सारे क्वेश्चन कराए भी थे आज भी हम ढेर सारे क्वेश्चन और करेंगे जो बचे खुचे हैं नए टाइप के तो फटाफट फड़ से ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए ठीक है जल्दी सॉल्व करो तब तक मैं कुछ और कर लेता हूं जिंदगी में सॉल्व हुआ बताओ सॉल्व हुआ है नहीं देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में समझेंगे बहुत ही आसानी से कर सकते क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इक्म कॉन्स्टेंट मीन अपन को निकालना है के की वैल्यू ठीक है और के की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही है ना इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन उसको यूज करके ठीक है तो ई ईसेल अगर हम लिखे क्या होता है या फिर ई रिएक्शन लिखे तो ये क्या होता है ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग क्यू होता है

एफई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस यस और नो ऑब्वियसली और प्लस ई नॉट फिर क्या हो रहा है आई माइनस जा रहा है कहां पे आई माइनस जा रहा है आई थ्री माइनस में समझ में आता है बात यस yes. तो ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ रिएक्शन क्लियर है अच्छा अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है क्या ई नोट एफ ई थ्री प्लस एफ ई टू प्लस का दिया हुआ है तो देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में कि रिडक्शन पोटेंशियल इन एस कंडीशंस और जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट एंड जीरो पॉइंट फाइव फोर वोल्ट फॉर रेस्पेक्टिवलीफ एफ प्लस मतलब इसके लिए फर्स्ट डेटा जीरो पॉइंट सेवन सेवन पुट कर दो यहां पे ठीक है एंड आई थ्री से आई माइनस अपन को दिया हुआ आई थ्री से आई माइनस अपन को दिया है लेकिन अपन को यूज क्या करना है I माइनस से I3 माइनस तो क्या इस वैल्यू में माइनस साइन लगाना पड़ेगा यस और नोट ऑब्वियसली सर लगाना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया 0.77 पॉइंट सेवन सेवन माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर वोल्ट तो सेवन में फोर जाएगा बचेगा थ्री सेवन में फाइव जाएगा बचेगा टू ठीक है तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू थ्री वोल्ट दिस इज ई नॉट ऑफ रिएक्शन क्या है? यहां तक बात सबको क्लियर है यस और नो क्लियर है बहुत ही बढ़िया उसके बाद एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन में तो देखो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे सबसे पहले क्या करेंगे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है पहले क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखेंगे फिर रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखेंगे फिर कटाएंगे इलेक्ट्रॉन को फिर ये रिएक्शन लाएंगे उतना करने की जरूरत नहीं है मैंने एक ट्रिक भी तुम्हें समझाई थी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड उसको भी चाहो तो यहां पे अप्लाई कर सकते हो ध्यान से देखो किसी भी एक पार्ट के लिए अप्लाई कर दो जैसे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के लिए या रिडक्शन वाले पार्ट के लिए सपोज मैं रिडक्शन वाले पार्ट के लिए बोल ट्रिक अप्लाई करता हूं एफ थ्री प्लस कहां जा रहा है एफई टू प्लस में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना हुआ बताओ प्लस थ्री से प्लस टू मतलब चेंज कितना एक अब ध्यान देखना ध्यान देना दो एफ ई है तो इसका मतलब देखो दो एफई थ्री प्लस दो एफई टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है एफ थ्री प्लस एफ टू प्लस जाने में चेंज वन है तो दो के लिए क्या हो जाएगा चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होगा ठीक है तो इसका मतलब एन की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो? की तुम ट्रिक से डायरेक्ट टू निकाल सकते हो ठीक है लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है वो बेसिक से जा सकते हैं कैसे जा सकते हैं बेसिक से जैसे अगर मैं लिखू Fe3+ वाला पार्ट टू एफ प्लस क्या होगा भाई साहब टू इलेक्ट्रॉन ये लेगा तब ये क्या बनाएगा टू एफ ई टू प्लस बनाएगा उसके बाद क्या होगा थ्री आई माइनस है ठीक है और इसको बनाना क्या है आई थ्री माइनस तो मतलब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सॉरी राइट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ लेफ्ट साइड में माइनस थ्री चार्ज तो राइट साइड में दो इलेक्ट्रॉन लगा दो दो इलेक्ट्रॉन और एक, तीन माइनस थ्री चार्ज हो गया ना बहुत बढ़िया बात ठीक है अब इन दोनों को फटाफट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा टू समझ में आता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल क्या यही रिएक्शन अपन को लिखना था यस इसका मतलब इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए दो हुए तो ये हो गया बेसिक से और मैंने जो पहले बताया वो था ट्रिक से ठीक है तो ट्रिक आप यूज कर सकते हो बसरते ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे दो एफ्री प्लस दो एफ ई टू प्लस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चेंज टू इंटू वन हो जाएगा ठीक है ये बेसिक से कर सकते हो या ट्रिक से कर सकते हो अब ये जो इतना भंडा फोड़ यहां पर मचाया है ना इसको मैं हटा रहा हूं ठीक है ये भसड़ नहीं रखनी अपने को इसको मैं हटा रहा हूं सीधा अपन को एन की वैल्यू टू पता चल चुकी है ठीक है अब क्या करना है उस एक्सप्रेशन को लगा देना है जीरो पॉइंट अपॉन एन की वैल्यू क्या हो गई टू हो गई लॉग के दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिएक्शन ई नॉट ऑफ रिएक्शन इज जीरो पॉइंट टू थ्री तो क्या यहां से अगर हम लॉग के को लिखें तो ये क्या होगा टू इन टू जीरो पॉइंट टू थ्री अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन इतना आएगा ठीक है इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ठीक है उसका एंटी लॉग होगा इसको पहले सॉल्व करके मुझे बताओ ये आ रहा है कितना तो अप्रोक्सीमेशन में बता सकता हूं आंसर भी आ रहे लोग सिक्स इंटू टेन का पावर सेवन आ रहा है के की वैल्यू ठीक है भाई तुम कह रहे हो तो गलत थोड़ी होगा सही बोल रहे हो ठीक है समझ में आ गया अरे क्लियर है यस सो नो क्लियर भाई साहब लोगों ने इसको सॉल्व करा है है ना ये के यहां से के की वैल्यू आ रही है सिक्स इंटू टेन का पावर सेवन ये है अप्रोक्सीमेट आंसर ठीक है एग्जैक्ट आंसर हम ऑप्शन जब दिया रहेगा है ना तो निकाल ही सकते हैं ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव बहुत पहले जब हम लोग जन्मे नहीं थे हम लोग मतलब मैं और तुम दोनों ठीक है उस टाइम आया था नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर ठीक है फटाफट से नोट करेंगे जिनके 6.1 आ रहे हैं ना वो पक्का कैलकुलेटर यूज करें 6.1 आ रहे आ रहे वही हुआ सेवन जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मजेदार क्वेश्चन है ठीक है जैसे जैसे इस सेशन में आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का मजा उतना ज्यादा होता जाएगा ठीक है लास्ट क्लास हमने एनसीआरटी और जेई मेन को कवर किया था आज हम जेई एडवांस तक पहुंचेंगे नस्ट सॉल्व करें जल्दी जल्दी चलो से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द इक्लेब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन ठीक है इस रिएक्शन का आपन को क्या निकालना है इक्लेब्रियम कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालनी है गिवन डेट ई नॉट डैश 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 ढेर सारा चीज दिया हुआ है अगेन हम जानते ही हैं कि अगर आपन को इक्लेबरियम कांस्टेंट जिंदगी में निकालना है है ना तो यही एक्सप्रेशन तो लगाना पड़ेगा जीरो पॉइंट और नो ऑब्वियसली तो अगेन अगर आपन को के निकालना है तो दो चीजों की जरूरत है एक तो ई e नॉट इस रिएक्शन का निकाल दो और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन निकाल दो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर निकालना है तुम ट्रिक से भी जा सकते हो कोई भी एक पार्ट पकड़ लो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट या फिर रिडक्शन वाला पार्ट जैसे सी यू टू प्लस जा रहा है ठीक तो है आया? आया अब यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन बैलेंस्ड है ठीक है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सीधा वन हो जाएगी ठीक है मान लो किसी का मन करे कि नहीं हम दूसरे वाले को है ना हम इंडिया के है ना तो हम आई वाले को पकड़ेंगे ठीक है पकड़ो इसको तुम आई वाले को जब तुम पकड़ोगे तो कहानी क्या होगी ध्यान से देखना आई एन टू प्लस जा रहा है कहां पर आई एन थ्री प्लस में मतलब है? है, कितने का चेंज प्लस टू से प्लस थ्री चेंज पॉजिटिव लिखनी है एन की वैल्यू यहां से भी क्या आएगी भाई साहब वो बन ही आएगी ठीक है तो ट्रिक से हमने क्या करा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि जो अपना टारगेट रिएक्शन है जिसका कि किन्स्टेंट निकालना है उसके लिए एन की वैल्यू क्या है वन है अब जो काम बच गया है वो है इनॉट रिएक्शन की देखो कुछ लोगों को अगर ट्रिक समझ नहीं आता तो बेसिक से जा सकते हैं जैसे वो क्या करते अगेन एक बार और मैं लिख के दिखा देता हूं सी यू टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये सी यू प्लस एक पार्ट ये हो गया दूसरा आई एन टू प्लस गोज टू आई एन थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ठीक है हां कटा दो इसको जिंदगी में सबका कटता है सी यू टू प्लस प्लस आई एन है ना टू प्लस गोज टू क्या होगा ये सी यू प्लस प्लस आई एन थ्री प्लस क्या यही रिएक्शन आ गया जो अपन लिखे थे ठीक तो है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक ही इलेक्ट्रॉन कटा है इसलिए सोरी. कोई नहीं इतना तो हमें पता चल ही चुका है एन की वैल्यू वन है ठीक है अब क्या करते हैं इन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश करते जिनका छूट गया था वो थोड़ा जगह छोड़ दे ठीक है वो गायबी हो गया चलो अब रिएक्शन e का कैसे निकालोगे अगर मैं लिखू नॉट ऑफ रिएक्शन तो फटाफट फड़ से दोनों पार्ट इस रिएक्शन का देखो तो ये बेसिकली कॉपर टू प्लस से कॉपर प्लस हो जाएगा यस और नो e ऑब्वियसली yes no, अब ध्यान से देखो ई नॉट कॉपर टू प्लस से कॉपर प्लस तो दिया ही है जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है जीरो पॉइंट वन फाइव दिया है प्लस अब क्या इन दोनों डेटा को देख के बताओ क्या प्लस से आई एन थ्री प्लस दिया है कहोगे नहीं आई एन टू प्लस इधर दिख रहा है मतलब दो अलग अलग रिएक्शन दे दिया तो सर ये कैसे निकाले? तो निकालो ना हमने टारगेट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया था याद करो इसको अगर मैं लिखूं इसको मैं अगर रिएक्शन के फॉर्म में तोड़ के लिखूं तो आई एन टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोस्टू क्या हो जाएगा आई एन प्लस और इसका नॉट क्या है माइनस जीरो पॉइंट फोर वोल्ट है ठीक है अच्छा इस रिएक्शन को अगर मैं तोड़ के लिखूं मतलब नोटेशन को रिएक्शन में तोड़ के लिखूं तो आई एन थ्री प्लस प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब टू इलेक्ट्रॉन गोज टू क्या होगा आई एन प्लस इसके लिए की वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट फोर टू वोल्ट है आपन को किसके लिए इनोट निकालना है आपन को निकालना आई एन टू प्लस गोज टू आई एन थ्री प्लस तो आई एन थ्री प्लस में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का करेगा लॉस इसका ही तो ई नोट आपन को निकालना है अब कैसे निकाल सकते ये दो रिएक्शन का इनोट पता है तीसरे रिएक्शन का इनोट निकालना है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट बना दिया गया अगर तुम ध्यान से समझो ठीक है कैसे करोगे बताओ कहानी इसकी आई एन टू प्लस लेफ्ट में है चलो फर्स्ट रिएक्शन में देखा लेफ्ट में फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रख दो ठीक है तो फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रख दो आई एन टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू क्या हो जाएगा आई एन प्लस इसका इनोट क्या है माइनस जीरो पॉइंट फोर वोल्ट है अच्छा उसके बाद चाहिए राइट right में आई एन थ्री प्लस दिख रहा है में, लेकिन अभी दिख रहा है लेफ्ट में तो इसको करना पड़ेगा रिवर्स ठीक है रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा रिवर्स करके जब को तो कुछ ऐसा दिखेगा इसका सकल आई एन थ्री प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे टू इलेक्ट्रॉन जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो ई नॉट का साइन क्या हो जाता है अपोजिट मतलब माइनस जीरो पॉइंट फोर टू में एक माइनस और लगा दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट फोर टू वोल्ट हो जाएगा समझ में आया इन दो रिएक्शन को हम जब जिंदगी में ऐड कर देंगे कैसे ऐड करेंगे इसमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या बराबर दिखेंगे अच्छा भाई साहब आई एन प्लस यहां से उड़ जाएगा लेफ्ट साइड में बचेगा क्या अपना आई एन टू प्लस और राइट साइड में क्या आ गया ये शायद आया क्या आई एन प्लस प्लस आई एन थ्री प्लस आया ना अपन वो क्या निकालने थे आई एन टू प्लस से आई एन थ्री प्लस कहा एक मिनट हो आई एन टू प्लस से आई एन थ्री प्लस निकालना था टू प्लस से थ्री प्लस निकालना था सीधा सीधा अगर इसमें देखे यहां पे दो से मल्टीप्लाई नहीं करना है दो से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि टारगेट रिएक्शन में सिर्फ आई एन टू प्लस और आई एन थ्री प्लस चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखना डायरेक्ट अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आई एन प्लस आई एन प्लस कटेगा आई एन टू प्लस गोज टू ये क्या हो जाएगा आई एन थ्री प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो इस रिएक्शन का इनोट ऑफ फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जैसे पढ़ते थे ना एन वन इन वन मतलब यहां पे देखो फर्स्ट रियक्शन इन टू माइनस जीरो विल बी नॉट ऑफ आई एन टू प्लस से आई एन थ्री प्लस बताओ ये सॉल्व करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाँ सब सुधार हो गया है ठीक है जिंदगी में जीरो पॉइंट ये तो आ जाएगा जीरो पॉइंट एट फोर माइनस जीरो पॉइंट फोर मतलब जीरो पॉइंट फोर फोर ठीक है तो इसकी वैल्यू आ गई भाई साहब जीरो पॉइंट फोर फोर ठीक है अब इसको भी अगर प्यार से ऐड कर दो तो पांच चार नौ हो जाएगा चार एक पांच जीरो पॉइंट फाइव नाइन वोल्ट हो गया नॉट ऑफ रिएक्शन यहां तक सबको बात क्लियर है तो आगे बढ़े जल्दी बोलो क्या यहां तक सबको बात क्लियर है देख लो अभी तुम है ना ढंग से देख लो कोई जल्दीबाजी नहीं है ठीक है हाँ अब इन e रिएक्शन आ गया के निकालना है अपन जानती है कि 0.059 पॉइंट अपॉन एन जो कि यहां पे वन है लॉग के दिस इज इक्वल टू इनॉट ऑफ रिएक्शन जो कि यहां पे 0.59 है तो बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है नहीं तो है ना तुम्हारा तो सिलेक्शन रुक सकता है टाइम अगर नहीं बचाना सीखा तो तो यहां से अगर हम लॉग के लिखे भाई साहब तो लॉग के क्या हो जाएगा जल्दी बताओ जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट फाइव नाइन है ना राइट साइड में क्या है जीरो और अपॉन ये आएगा डिवीजन में ठीक है तो इतना आएगा अब इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा प्यार से इसको अगर उड़ाओगे तो क्या आएगा टेन का पावर माइनस टू और इसको अगर उड़ाओगे तो क्या आएगा टेन का पावर माइनस थ्री इसको इसको तो ऐसे ही उड़ा दो अब देखो ध्यान से टेन का पावर माइनस टू टेन का पावर माइनस टू खत्म टेन का पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई टेन बन जाएगा ठीक है इसका मतलब लॉग के क्या आ गया लॉग के अगर आ रहा है टेन इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी टेन की पावर टेन होगी समझ में आ गया क्लियर यस और नो तो ये बहुत ही आसान नहीं था क्वेश्चन है ना यहां पर ट्विस्ट क्या किया था कि देखने में बहुत आसान लगे अरे कुछ नहीं करना है जो हमने बनाया है उसी कॉन्सेप्ट बट यहां पे क्या है ना भाई साहब कि ये जो आई एन टू प्लस के लिए नॉट दिया नहीं है उसके लिए दो इनडायरेक्ट डेटा दिया हुआ था ठीक है तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इसको बना के तुम है ना आंसर लिखोगे चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी से बताएं सब लोग जल्दी से बताओ जल्दी सर ये क्या होता है जल्दी का मतलब क्या होता है इसमें कैलकुलेशन भी इजी आएगा इसलिए जल्दी सॉल्व कर लो हुआ ऑप्शन थ्री देखते हैं थ्री 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 थ्री, थ्री, थ्री आ रहा है बहुत ही बढ़िया बात इसमें तुम पेन पेपर मत उठाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन ऐसे ही करने का है ना मतलब नींद से सोकर उठे तो भी बना सकते हैं ऐसा वाला ये क्वेश्चन ठीक है कैसे वो हम देखेंगे अभी कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ अ सेल मतलब बताओ यहां पे ई सेल है या फिर ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है मतलब क्या बोल रहा है ई नॉट सेल की बात कर रहा है इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन चेंज मतलब एन की वैल्यू क्या है भाई साहब वन है इस फाउंड टू बी दिस मच वोल्ट दिस मच मतलब क्या होता है 0.591 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है देखो भाई साहब 0.059 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 1 लॉग k दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल जो कि दिया है 0.591 ठीक है अब ध्यान से अगर हम देखें कि log के जो है करोगे, तो टेन और क्या आ सकता है कुछ भी नहीं। तो 3 ये तुम्हारे -मेन में जो कि अर्लियर ए आई ट्रिपल ही था आया हुआ है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर जेई मेन और नीट में पूछा जाता है बिकॉज वहां पे टाइम थोड़े से कम होते हैं तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करवाएगा क्लास में तुम कैलकुलेशन कर लो एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ऐसे इतना इजी पूछ रहा है ठीक है देख लो कुछ भी नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो कि मैंने कल होमवर्क दिया था ठीक है इतना बड़ा सा क्वेश्चन तुम लिख लो मैं साइड हट जाता हूं जल्दी से बताएं जिंदगी में क्या होगा इस क्वेश्चन की कहानी सबसे पहले ध्यान से देखना इसमें दो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम एक सॉल्व करेंगे उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे सिंपल द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल दिस इज 0.78 वोल्ट मतलब इस रिएक्शन का जो ई नॉट है वो अपन को कितना दिया हुआ है 0.78 वोल्ट दिया हुआ है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल इन 8 एम एच प्लस आयन तो अपन को बताना है रिडक्शन पोटेंशियल अब ध्यान से देखो अगर इस रिएक्शन को तो ये बेसिकली क्या है रिडक्शन रिएक्शन है क्यों एड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन ठीक है तो ऑलरेडी ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है अपन को ई इन दिया अपन को रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है मीन इस रिएक्शन का ईआरपी पूछा है एसआरपी नहीं एसआरपी तो दिया ही है रिडक्शन पोटेंशियल बोला सिंपली तो ईआरपी अपन से पूछा गया है मतलब समझ गया कि अगर ईआरपी अपन को निकालना है तो नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा अब ध्यान से देखना जब तुम लिखोगे नस्ट इक्वेशन तो ये होगा ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन एन की वैल्यू हो जाएगी वन और लॉग क्या होता है क्यू होता है अब क्यों में ध्यान से देखो एनओ टू आ रहा है क्या भाई साहब गैस आ रहा है तो पार्शियल प्रेशर इसका यूज करेंगे के में नहीं लेते हैं ठीक है, है? हा, हा, हा। उसके बाद क्या आएगा बताओ लेफ्ट साइड में है एनओ थ्री माइनस कब्सियंट वन है पावर वन आएगा एच प्लस कंसेंट्रेशन इसका होगा स्क्वायर कब्सियंट क्या है टू है तो दिस इज नस्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन जिसमें अपन को ई निकालना है ई नॉट तक दिया हुआ है अब ई नॉट अगर इसमें चिपका दो ठीक है जगह कम है इस स्लाइड में तो मैं इधर उधर ही कर देता हूं तुम इसका ज्यादा टेंशन मत लेना जीरो पॉइंट सेवन एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग अब कहोगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनो टू कहां है तो ध्यान से नीचे एक लाइन पढ़ो क्या दिया है अज्यूम ऑल द अदर स्पीसीज टू बी यूनिट कंसेंट्रेशन है ना एक्सेप्ट एक चीज और छूट गया एक्सेप्टी प्रेजेंट है complete question. यहां पे ये थे, उनके कंसेंट्रेशन वन यूनिट मानना है जैसे गैस है तो उनके पार्शियल प्रेशर वन एटीएम कोई एच प्लस को छोड़ के आयन है तो उसकी मोलरिटी वन मोलर मानना है तो क्या हो जाएगा ऊपर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू हो जाएगा वन एन ओ थ्री माइनस क्या एच प्लस है नहीं है तो इसका कंसंट्रेशन क्या लेना है वन लेना है इन टू क्या होगा एच प्लस ठीक है ऐसा ही तो होगा ना एच प्लस होगा बात समझ में आता है हाँ सर अब ध्यान से देखो ई की वैल्यू क्या होगी भाई साहब जीरो पॉइंट सेवन एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग वन अपॉन एच प्लस कंसेंट्रेशन कितना होगा तो दो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले पहले पूछा था कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल इन मोलर प्लस प्लस आयन मतलब क्वेश्चन के लिए कर सकते हो है ना एग्जाम में है ना धीरे धीरे और स्टेप वाइज लिखने कोई जरूरत नहीं है तो इसको वन अपॉन सिक्सटी फोर लिख सकते हैं अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो 0.059 क्या log 1 जीरो को कैसे लिख सकते हो वन अपॉन 64, 64 का पावर माइनस वन माइनस वन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये लॉक 64 हो जाएगा सिंपली क्या देखो तो अगर मैं रहता तो अभी ये लॉग 64 भी नहीं लिखूंगा इसको 8 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं है ना टू लॉग एट लिख देंगे उतना भी नहीं टू का पावर देखो ये कितनी बार चला जाएगा छह बार चला जाएगा शायद का पावर देखो तो 64 को तुम क्या लिख सकते हो दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दो बत्तीस दो चौसठ मतलब इसको डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा टू का पावर सिक्स ठीक है तो जीरो पॉइंट सेवन एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग टू का पावर सिक्स ऐसे लिख सकते हो मतलब तुम्हें समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं कोई जरूरत ही नहीं इतना करने की है ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप आंसर सिक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन और लॉक टू की वैल्यू क्या होती है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो दिस मच वोल्ट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर और नो जल्दी बताओ अरे नहीं निया बोलो आया कि नहीं आया तो कैलकुलेशन भी अपन को सीखना है कि कितने जल्दी कर सकते हैं और कितना एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं सिर्फ जल्दी नहीं एक्यूरेसी भी चाहिए अब सेकेंड क्वेश्चन तो तुम खुद ही बना सकते हो मुझे बनाने की जरूरत है नहीं होगी ना सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल मतलब पूछा वही ई है इस रिएक्शन का ई पूछा है ठीक है इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन अब न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे ही बोला तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस कंसेंट्रेशन कितना होता है बताना जरा साहब टेन का पावर माइनस सेवन मोलर होता है है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गया था जानकारी होना चाहिए पावर माइनस सेवन मोलर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस चूंकि यहां कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस लेकर ही चलना है जिंदगी में समझ में आया तो अब कुछ करना नहीं है तुम्हें जिंदगी में है ना ये जो H प्लस दिख रहा है ना यहां तक तो सब सेम होगा इस H प्लस से यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 का पावर माइनस सेवन और कैलकुलेशन कर दो तो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा समझ में आ गया बोलो तो आगे बढ़े जल्दी बोलो यस और नो कितना है सेकेंड का आंसर 0.3, 0.37, 37 मोल अच्छा बोल्ट तो आंसर निकाल सकते हो ना अभी सेकेंड वाले का भी मैं आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे यस 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 किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है देखो नष्ट इक्वेशन लोगों की बुद्धि नष्ट करता है लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस पे अभी करवा दूंगा कि जिंदगी में तुम्हें है ना दुख नहीं दे पाएगा ठीक है अगर तुम क्लास अच्छे से करते हो तो नहीं करते हो तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ ठीक है नेक्स्ट अप्लीकेशन लिखेंगे नस्ट इक्वेशन का नस्ट इक्वेशन जब कल हमने पढ़ा था तो उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन देखा कि कैसे हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नस्ट इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं ठीक है अगर तुम्हें याद हो केमिकल इक्लेबरियम जब हमारी क्लास हुई थी तो उस टाइम ही बताया था कि किसी भी रिएक्शन का जो के, जो कांस्टेंट होता है जैसे लिख दिया जाता है कि इतना है तो भाई उतना आया कहां से प्रैक्टिकली कहां से मेजर किया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगा के मेजर करते थे जो कि अभी हमने पढ़ा है ठीक है कि कैसे हम इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से निकालते हैं लैब में जाओगे सेलवेल होता है तो वहां से मेजर करते हैं सब ई नॉट ये सब क्लियर है हाँ, तो ऐसे ही नेक्स्ट एप्लीकेशन है आयनिक इक्लेब्रियम में ही हम एक और प्रजाति पढ़ते थे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट फॉर एस्पैर सोल्ट एस्पैर सोल्ट के लिए हम क्या डिफाइन करते थे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट याद आया कुछ हाँ सर फॉर फॉर अस्पिंगली इसका मतलब क्या होता है पार्शियली याद आ रहा है कुछ ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ा था गलती से ऑफलाइन क्लास खुल गया था एक डेढ़ महीने के लिए उसमें हमने पढ़ा था फॉर एस्पैरेंगली सोलिबल सोल्ट है ना फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एजीसीएल ठीक है तो एजीसीएल की अगर हम बात करें भाई साहब अगर तुम्हें याद हो सोलिबिलिटी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे एजीसीएल के लिए है ना एजीसीएल डबल है ना एरो रिवर्सबल वाला ये बनाता था, था भाई साहब एजी प्लस एक्वस और प्लस सीएल माइनस एक्वस अब देखो ध्यान से चूंकि ये एजीसील अस्परि सोल्वल सोल्ट है पार्शियली सोल्वल सोल्ट है इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुमने 10 ग्राम एजीसीियल पानी में डाला तो उसका बहुत कम परसेंट ही पानी में सोल्वल हो पाएगा पांच परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट इस टाइप से तो बात है फिर जो आयंस बनेंगे वो भी बहुत कम बनेंगे की कंसेंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा बहुत ही ज्यादा कम होगा तो जब आप एजीसीएल की सोलिबिलिटी की बात कर रहे हो तो ये तो अपन को पता होता कि अगर एजीसीएल है ना ये जो सोल्ट है इसकी सोलिबिलिटी अगर एस है तो ये बनेगा एस मोलर ये बनेगा एस मोलर यस और नो लेकिन इस एस की वैल्यू बहुत ही कम होती है तो प्रैक्टिकली डायरेक्टली मेजर करने में बहुत दिक्कत आता है ठीक है छोटी सी वैल्यू है उसमें अगर एरर आ गया तो ऐसा वैल्यू आया तो है मजा नहीं आया ठीक है तो फिर क्या करते हैं कि जैसे AGCL की प्रोडक्ट मेजर करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई करते हैं जैसे मान लो इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इस रिएक्शन का जो इक्लेबरियम कॉन्स्टेंट है क्या उसी को हम के बोलते थे याद आ रहा है क्या इसी रिएक्शन के इक्लेबरियम कॉन्स्टेंट को के एसपी बोलते थे है ना मतलब के इक्लेबरियम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड के एसपी ऑफ ए जी सी एल ठीक है एजीसीएल सॉलिड यस और नो ऑब्वियसली ठीक है तो अब क्या कर सकते हैं कि भाई साहब जब रिएक्शन ये इक्लेब्रियम पे है तभी सॉलिबिलिटी डिफाइन होती थी अगर तुम्हें याद हो तो नेक्स्ट इक्वेशन चिपका सकते हैं इस रिएक्शन का अगर मुझे ई नॉट पता हो ठीक है तो के एस पी की वैल्यू आ जाएगी जैसे अभी हमने इक्लीबरियम हम कॉन्स्टेंट पढ़ा सिंपल के लिखते तो वहां पर अभी क्या करना है के के पे केस लिख दो ठीक है तो क्या कर सकते हैं हम बताओ जरा नस्ट इक्वेशन लगाएंगे और लिखेंगे 25 Celsius, N log Ksp, e बात समझ में आया क्या बस के के यहाँ पे के एसपी कर दिया ई e नॉट इस रिएक्शन का समझ आ गया जल्दी बोलो ये नो यस और नो और ये कब लिख रहे हैं ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा रहता है तो फिर 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपन एन एफ वाला फॉर्म अपन को लिखना पड़ेगा बताओ यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं ढेर सारे तुम्हें क्वेश्चन में करवाऊंगा अब ठीक है तो मेन टारगेट जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात कर थोड़ी सी है ना कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को तो मेन टारगेट अगर देखो ध्यान से अपना है कि केएसपी निकाले किसी अस्परेंगली सोल्वल सॉल्ट का तो मेन टारगेट अपना क्या रहेगा कि अगर हम नॉट ऑफ रिएक्शन एंड एन इन दिस रिएक्शन निकाल पाए तो जिंदगी में मजा आ जाएगा ठीक है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए या फिर इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हुआ है और उसके बाद नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल दें तो के भी इस रिएक्शन का आ ही जाएगा बात समझ में आता है जैसे तुम्हारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन पटका जा रहा है उसको पहले तुम नोट करोगे है ना ये इसको बाद में करेंगे ये बीच में घुस गया है पहले ये करते हैं अपना क्वेश्चन सबसे पहले इसको नोट करो और इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को इसके बाद वाले क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे हो गया नोट हो ही गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं फिर जिंदगी में ठीक है बढ़ जाओ सर देखो कह रहा है कैलकुलेट दॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एफ ई एच होल्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ये दो डेटा मतलब दो रिएक्शन है उसका इनोट अपन को दिया गया है और इस इतना चीज देख के हमसे क्या पूछ रहा है कि जो के है ना भाई साहब किसकी एफ ई ओ एच की ये हमें बता दो ठीक है तो सिंपल सी बात है अपन सबसे पहले क्या करेंगे एफ यू एच हॉल के है ना सोलिबिलिटी के लिए रिएक्शन लिखेंगे और उस रिएक्शन का e नॉट निकालेंगे और N की वैल्यू निकालेंगे उस रिएक्शन के लिए फिर तो फॉर्मूला है ही अपने पास तो अगर मैं बोलूं कि एफ ई ओ एच हॉल की सोलिबिलिटी की रिएक्शन लिखो तो तुम कहोगे कि सर कर दी ना दो रुपए वाली बात एफ ई ओ एच जब टूटेगा तो ये बनाएगा एफ प्लस एक्वस और साथ में क्या बनाएगा तीन तीन ओ एच माइनस है ना एक्वस आयंस क्या यही के लिए रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन का जो के के है है क्या वही तो एसपी ऑफ एफ ई ओ एच यस और नो जल्दी बोलो क्लियर है क्लियर चलो अब इस रिएक्शन का अपन को निकालना है ई e नॉट अब ध्यान से इन दोनों को देखे तो कोई तो खुश हो जाएगा डायरेक्टली अरे एफ ओ एच होल्थराइस हाँ दिख गया 3OH भी दिख गया लेकिन भाई साहब ये एफ थ्री प्लस नहीं है दिक्कत ये है मतलब अब क्या है भाई साहब ये हो गया अपना टारगेट रिएक्शन ठीक है ये अपना क्या हो गया भाई साहब टारगेट रिएक्शन और ये दो क्या है गिवन रिएक्शन दो गिवन रिएक्शन का नॉट अपन को पता है टारगेट रिएक्शन का नॉट निकालना है कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन क्या होगा सर यहाँ पे है ना पेट की करोगे कि आख की ठीक है क्वेश्चन की करेंगे है ना ध्यान से देखो इन दोनों को मैं प्यार से देखा इसको अगर मैं रिएक्शन वन नाम दे दू और इसको अगर मैं रिएक्शन टू नाम दे दू तो क्या टारगेट रिएक्शन में लेफ्ट में चाहिए दिख रहा है ना हाँ तो अब गिवेन रिएक्शन में एफ एच होल्थराइस ढूंढो कहां पर दिख रहा है सर यहां दिख रहा है लेफ्ट में ही है हा सर मतलब सेकेंड एज इट इज लिख दो ठीक है एफ ई एच होल्थराइस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गोस टू एफ ई प्लस थ्री ओ एच माइनस और इसके लिए नोट क्या है माइनस जीरो पॉइंट सेवन टू सिक्स वोल्ट है मैंने सेकेंड वाले रिएक्शन को एज इट इज क्यों लिखा इसका लॉजिक आई होप कि आपको क्लियर होगा अब मैंने राइट right साइड को फोकस करा तो राइट right साइड में एफ ई थ्री प्लस चाहिए और ओ एच माइनस चाहिए जैसे ही मैंने सेकेंड रिएक्शन को एज इट इज लिखा था तो राइट right साइड में माइनस OH तो क्या डिफॉल्ट आ ही गया लेकिन अभी एक और रिक्वायरमेंट है F3 भी चाहिए राइट साइड में अब एफ्री प्लस गिवन रिएक्शन में देखो कहां है फर्स्ट वाले रिएक्शन में लेकिन यह लेफ्ट में अपन को चाहिए राइट मतलब फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा तो फर्स्ट रिएक्शन को किया रिवर्स तो सकल सूरत क्या ऐसी दिखेगी महाशय जल्दी से तुम बोलो हाँ सर ऐसी दिखेगी आ, जब हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इनोट जो है है ना ओरिजिनल रिएक्शन में माइनस साइन लगाने के बाद आएगा मतलब माइनस ऑफ माइनस दिस ठीक है तो क्या हो जाएगी प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स वोल्ट यस और नो क्या यहां तक बात क्लियर है यहां तक बात क्लियर है नहीं है, है? सॉल्व हो गया कितना आया आंसर ओके चलो अब इन दोनों को अगर जिंदगी में मैं ऐड कर दूं ठीक है एक दुनिया बसाने के लिए तो क्या क्या, क्या, -क्या कैंसिल हो जाए किसका किसका कटेगा थ्री इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन गायब एफ उड़ गया ठीक है क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड एफ ई ओ एच हॉल थ्राइस गोज टू एफ ई थ्री प्लस प्लस थ्री ओ एच माइनसर रिवर्सल चाहो तो लिख सकते हो उसमें कोई तुम्हें बोलेगा नहीं ठीक है और ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी बताओ फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के दर्शन जब नहीं हो तो डायरेक्टली इन दोनों का ही नॉट ऐड कर सकते हैं ठीक है ये ट्रिक मैंने समझाया हुआ है तो ये जगह -0.726 0.036 ठीक है 6 में से 6 गया आएगा 0 है ना सॉरी साहब 0.036 में ये घटेगा 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा ना और उसके बाद माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन वन सिक्स नाइन जीरो हाँ ठीक है ये आएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन दिस मच वोल्ट दिस इज नॉट ऑफ रिएक्शन है ना इसी रिएक्शन को प्यार से देखे तो यही तो सॉलिबिलिटी का रिएक्शन है मीन इसी रिएक्शन की अगर हम इक्लेवरियम कॉन्स्टेंट की बात करें

उसके बाद क्या लिखोगे लॉग के एस पी दिस इज इक्वल टू इन ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन यस और नो तो क्या यहां से अगर हम जिंदगी में देखें लॉग के एस पी को तो आएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है इस वैल्यू को सॉल्व करो लॉक के एस कितना आया 2.9 समथिंग माइनस में ना 10 का पावर माइनस थर्टी आया आंसर अच्छा 10 का पावर माइनस थर्टी मैं आंसर मिला लेता हूं एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है मैं भी देख लेता हूं वैसे लोगों के आंसर आने शुरू हो गए यार इसको सॉल्व करने के बाद तो आ रहा है कुछ माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट फोर और आंसर कुछ आ रहा है एट इंटू टेन का पावर माइनस थर्टी सिक्स ध्यान से इसको सॉल्व कर लो ये जो वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये सोर्स में दिया हुआ है ये कुछ आ रहा है माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट फोर इतना आ रहा है ठीक है ऐसा कुछ आ रहा है जीरो एट नहीं आ रहा क्या कितना आ रहा है कैलकुलेशन चेक करो देख लो इसको सॉल्व तो कर सकते हो यार मतलब जो भी आ रहा होगा ठीक है मेथड तो मैं पूरा क्लियर है है ना एग्जाम में अभी भी केएसपी वाले क्वेश्चन मेन में, में पूछे जाते हैं ये तो सब्जेक्टिव पेपर ऑफ आईआईटी में आया था बिल्कुल तब जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे ऑब्वियसली लेकिन वही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में दिखते हैं लोगों को लगता है जब हम पैदा नहीं हुए थे वो क्वेश्चन अब क्यों करें क्योंकि उसी क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट जय मेन में आ रहा है तो उसको तो करना जरूरी है ठीक है और मैं नए क्वेश्चन भी कराऊंगा जो अभी के जे एडवांस में पूछे गए माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट आया है है ना तो माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट जो है वो किसका लॉग होगा समझो अगर मैं माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट को लिखूं तो क्या मैं इसको है ना माइनस थर्टी सिक्स और प्लस जीरो पॉइंट क्या लिख सकता हूं आ, ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट है मतलब जीरो पॉइंट नाइन टू ऐसा लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं ना अरे माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं माइनस थर्टी सिक्स प्लस जीरो पॉइंट नाइन टू इसको जब ऐड करो तो कितना आएगा बताओ इतना ही शायद आएगा ठीक है अब ये किसका लॉग रहा होगा माइनस थर्टी सिक्स बात है टेन का पावर माइनस थर्टी सिक्स का और लॉग सेवन कितना होता है लॉग सेवन होता है जीरो पॉइंट एट फोर फाइव ये जीरो पॉइंट एट फोर फाइव से थोड़ा सा ज्यादा है तो सेवन से थोड़ा ज्यादा होगा एक्चुअल में जो एट पॉइंट टू फोर लिया हुआ है ठीक है एग्जैक्ट जो आंसर है मीन ये जो माइनस थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट फोर है वो इतने ही लॉग की वैल्यू होगी मतलब के की वैल्यू इतना आ रहा है ठीक है समझ आ गया बोलो और ये अभी के जो एग्जाम में आएंगे मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुम ऑप्शन देख के भी पकड़ पाओगे और कैलकुलेशन बहुत सिंपल आता है जैसे कि आज ही हमने एक क्वेश्चन करा था याद करो कौन सा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कितना आसान कैलकुलेशन था तो तो जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है है ठीक चलो तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन भी आप करके दिखाओ जल्दी से ये भी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चन है जल्दी से इसको करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है सबको दिख रहा है देखो नस्ट इक्वेशन का जो डर है ना वो तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा ये बात कंफर्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर कभी पढ़ते रहो बस जल्दी से बताएं आंसर है ना आंसर थोड़ा जल्दी बताएंगे फोर्थ ऑप्शन देखते हैं भाई साहब सही है कि गलत है अब देखो मैक्सिमम लोगों के आंसर आना शुरू हो जाएंगे इसलिए मैं भी अब सॉल्व करना शुरू कर देता हूं जिंदगी में कह रहा है गिवेन द डेटा हां दिया है क्या निकालना है लॉक केएसपी किसके लिए एजीआई के तो क्या सबसे पहला काम क्या होता है कि एजीआई का अपना के पूछा है तो फटाफट से क्या करेंगे लिख देंगे रिएक्शन इसके लिए ये भाई साहब कुछ ऐसा रिएक्शन दिखेगा हाँ या ना ऑब्वियसली सबका आंसर फोर फोर आ रहा है ठीक है तो इस रिएक्शन का जो के, होगा, वही क्या होगा? के किसका? ए जी आई का ठीक है मतलब अब इस रिएक्शन के लिए अपन को काम करना है दो काम करना है इस रिएक्शन का एन निकाल देंगे और इस रिएक्शन का ई नॉट निकाल देंगे अगर ये हम निकाल पाते हैं तो फिर तो अपन के पास फॉर्मूला ही जिंदगी में ठीक है अच्छा देखते हैं फिर कैसे इस रिएक्शन का उसको हम क्या बोलते हैं टारगेट रिएक्शन अब गिवन रिएक्शन को प्यार से देखो ठीक है और इसको देखो सबसे पहले टारगेट रिएक्शन में एजीआई में गिवन रिएक्शन में एजीआई कहां दिख रहा है इधर फर्स्ट इसको बोल देता हूं सेकेंड इस रिएक्शन को तो फर्स्ट रिएक्शन में एजीआई दिख रहा है लेकिन ये राइट right साइड में दिख रहा है चाहिए भाई साहब लेफ्ट में तो फर्स्ट रिएक्शन करना पड़ेगा रिवर्स 180 डिग्री से घुमा दो ठीक है जिंदगी में तो कैसा दिखे है ना रिवर्स किया हुआ रिएक्शन एजीआई प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू क्या हो जाएगा एजी प्लस आई माइनस और रिएक्शन को जब हमने किया रिवर्स तो फिर ई नॉट की वैल्यू क्या ऐसा आ जाएगा माइनस लगाओगे उसमें ओरिजिनल वाले में ठीक है उसके बाद राइट right साइड हमने देखा तो एजी प्लस सी और आई माइनस सी आई माइनस तो ऑलरेडी राइट साइड में आ गया है ठीक है एजी प्लस ढूंढो गिवन रिएक्शन में किधर है सेकंड वाले रिएक्शन में यहां पर एजी प्लस दिखा ऑलरेडी है राइट साइड में मतलब सेकेंड रिएक्शन को एज इट इज लिख दो तो एजी गोज टू क्या हो जाएगा एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है ना तो इसके लिए ई e नॉट की वैल्यू क्या आएगी माइनस जीरो पॉइंट एट वोल्ट यस और नो अगर इन दो रिएक्शन को हम प्यार से ऐड करें तो एजी ए जी उड़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैंसल तो यहां पे नेट एजी आई माइनस ठीक है अच्छा एक बात तो तय है कि इस रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू वन होगी ठीक है क्यों होगी मैं बहुत बार बता चुका हूं इसका नॉट कैसे निकालेंगे देखो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा ठीक तो है तो सिंपली क्या कर सकते हो इस दोनों ई नोट को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव टू और प्लस माइनस जीरो पॉइंट एट वोल्ट कितना आया माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू वोल्ट इतना आ रहा है भाई साहब देख लो ई नॉट ऐसा आ गया एन की वैल्यू वन आ गई अब जिंदगी में क्या बच्चा 0.059 पॉइंट जीरो की वैल्यू अपॉन एन ऑफ एस पी दिस इज इक्वल टू नॉट ऑफ रिएक्शन जो कि क्या है माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू है ठीक है तो यहां से सिंपली लॉग के पूछ दिया है तो देखो ऐसे मेन में जो क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला है माइनस जीरो पॉइंट है ना नाइन फाइव टू अपॉन क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ठीक है अच्छा तो अपन से तो लॉग के एसपी पूछा है मतलब अपन को एंटी लॉग की जरूरत नहीं है डायरेक्ट यहां से सकते हैं अब देखो ये बात तो तय है कि हमने जो मेथड लगाया वो बिल्कुल क्या है सही है मतलब अपना करेक्ट आंसर तो यही है अब इसको अगर जो बंदा या बंदी ठीक है भाग देने बैठ जाएगा ना एग्जाम में कि 59 से पहले भाग दे रहे हैं 952 में तो उसकी जिंदगी में बहुत कष्ट आएंगे ठीक है इसको करने का मैं मेथड बताता हूं कि अगर 59 से अगर हम 95 फाइव ये जो भी लिखा है मैं लिख रहा हूं ऐसे ही मैं माइंड में ही करता ऐसे मुझे करना हो तो अगर मैं फिफ्टी नाइन से इसको डिवाइड करूं तो क्या पहले तो मुझे एक ही बार है ना यहां पर लिखना पड़ेगा समथिंग ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्लियर है ना मतलब वन तो फर्स्ट डिजिट वन आएगा दो बार तो नहीं जा सकता ये ठीक है।, है तो फर्स्ट डिजिट तो वन ही आएगा मतलब फर्स्ट डिजिट देखो वन तो इसका फर्स्ट डिजिट है एट इस ऑप्शन में थ्री इस ऑप्शन में एट आंसर फोर्थ ठीक है तो फर्स्ट डिजिट से तुम आंसर कर सकते हो समझ में आया कैलकुलेशन आसान है और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन जेई मेन में ठीक है जिसको अर्लियर ए आई ट्रिपल ही बोलते थे सर जेई मेन वाले क्वेश्चन कराओ ना अरे आएगा ना तुम टेंशन क्यों ले रहे हो सारा कुछ करा दूंगा चलो भाई साहब एक ये क्वेश्चन है इसको करो आज मेरे लिए प्रैक्टिस सेशन ही है और एक चीज हमने सीखा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसके अलावा कुछ टॉपिक और है टाइम मिलेगा तो वो भी करवा दूंगा लाइक गैलवानिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है ये सब जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को ठीक है चलो क्वेश्चन तो सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा हाँ यस yes, सर आगे बढ़ो जिंदगी में आप क्या कहना चाहते हो देखो मेरा कहना साफ साफ है सबसे पहले क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सी यू टू प्लस से सी यू इज दिस मच वोल्ट इसका मतलब क्या बोलना चाहता है अगर शॉर्ट में लिखे उतनी लंबे लाइन को तो बोल रहा है कि जो इनोट e है सी यू टू प्लस से सी यू का ये बेसिकली क्या है जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट है यस और नो ऑब्वियसली कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट पी एच फोर्टीन फॉर द अब कपल कपल क्यों बोल रहा है ये दो है ना इन दोनों को मिला के बनाना एक सेल ठीक है हाँ तो इस कपल का अपन को निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल मतलब बताओ अपन को ई नॉट निकालना है कि ई e निकालना है अब देखो ढक्कनों अगर तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन होने लगे कि इस क्वेश्चन में ई निकालना है कि नॉट तो तुम महाकन हो क्यों ई नॉट तो इस कपल का दिया ही है तो वो कहां से पूछेगा ठीक है और सिंपली बोला है ना रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया था पूछा क्या है रिडक्शन पोटेंशियल तो जब रिडक्शन पोटेंशियल बोला है मतलब अपन को क्या पूछ रहा है सिंपली ई पूछ रहा है रिडक्शन मतलब कॉपर टू प्लस से ही कॉपर तो हो रहा है रिडक्शन प्लस टू से जीरो मतलब यही अपन से पूछा है क्लियर यस और नो समझ आया यहां तक बात बताओ अरे यशोर जल्दी बोलो इसके आगे तो तुम भी सॉल्व कर सकते हो जिंदगी में ठीक है जल्दी बोल समझ आया आगे बढ़ू मैं मैंने पिछले क्लास में एक बात बताई थी कि ई और इन नॉट में कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो अपन को इसी से काम है कभी कभी नॉट से उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है चलो अब देखो ई e निकालना है ई e नॉट दिया है मतलब अपन को थोड़ा तो आइडिया लगी कि नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा पड़ेगाचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस लिखाई है तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा भाई साहब क्यू हो जाएगा ठीक है अब कहोगे यार क्यू यू तो तब लिख पाएंगे जब हम रिएक्शन लिख पाए अब इस कपल के लिए रिएक्शन क्या होगा बताओ रिडक्शन पोटेंशियल पूछा था मतलब रिडक्शन रिएक्शन लिखना है सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गोज टू सी यू सॉलिड यही तो हो जाएगा रिएक्शन इस कपल का ठीक है तो अगर मैं क्यू की बात करूं इस रिएक्शन में तो क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड है कंसंट्रेशन वन अपॉन रिएक्टेंट में क्या है कॉपर टू प्लस एक्स आइन है तो कॉपर टू प्लस का आएगा कंसंट्रेशन और साथ में अगर एन की वैल्यू देखिए इस रिएक्शन का क्या है टू है तो एन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नॉट e अपन को दिया ही है क्यों इतना लिख चुके हैं ठीक है बस इस सबको इसमें रिएक्शन में इस सॉरी इस वाले इक्वेशन में रखना है आंसर आ जाएगा अब प्रॉब्लम यह है कि सी टू प्लस कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं है उसके यहां पे क्या दिया हुआ है के एसपी ऑफ सीयूए होल्डस दिया है और साथ में पीएच दिया है तो क्या थोड़ा मोड़ा तुम्हें आइडिया लगता है कि जब के दिया हो किसी भी सोल्ट का ध्यान देना जब के दिया हो किसी भी सोल्ट का है ना और किसी उसके आयन का कंसेंट्रेशन निकालना है तो जस्ट क्या करना है रिएक्शन लिखो के के लिए क्या होता है सी यू ओ एच सॉलिड ये जब पानी में डूबेगा है ना तो क्या बनाएगा सी यू टू प्लस एक्वस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा टू ओ एच माइनस बनाएगा समझ में आता है के एसपी को अगर हम प्यार से लिखें तो ये बेसिकली क्या होगा सी यू टू प्लस कंसेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन ठीक है का टारगेट है Cu2+ टू प्लस निकालना ठीक है तो सी यू टू प्लस अगर हम यहां से लिखें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा ये होगा के एसपी अपॉन ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर क्लियर यस और नो यस और नो समझ आया यहां तक जल्दी बोल अरे आया नहीं आया जल्दी बोल बात बताओ आ गया बहुत बढ़िया अब ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन कहां से निकालें सर तो पीएच दिया हुआ है भाई साहब देखो मतलब ये क्वेश्चन कितना तगड़ा है चूंकि अपन को दिया हुआ है पीएच कितना 14 तो अगर मैं पीओ एच लिखू तो ये क्या आएगा जीरो क्यों क्योंकि पीएच प्लस पीओ एच क्या होता है फोर्टीन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो पीएच है 14 तो पीओ एच कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाबू साहब तुम डायरेक्टली जीरो लिख सकते थे ये तीन स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं थी तो पीओ एच अगर जीरो आ रहा है पीओ एच क्या होता है माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन ये क्या है जीरो है क्या इसका मतलब यह भी होता है कि लॉग ओ एच माइनस ही जीरो है अच्छा लॉग किसी का जीरो हो रहा है इसका मतलब वो खुद क्या होगा वन होगा लॉग वन होता है जीरो इसका मतलब एक बात समझ में आया कि ओ एच माइनस कंसंट्रेशन जो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है वन मोलर है यस और नो ऑब्वियसली अब तो तुम सी टू प्लस निकाल सकते हो अब बताओ अब बताओ सीयू टू प्लस कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा के KSP के कितना दिया हुआ टेन का पावर माइनस नाइनटीन अपॉन ओ एच माइनस क्या आया वन मोलर तो वन का स्क्वायर ठीक है तो सीयू टू प्लस का कंसंट्रेशन यहां से वहां से आ गया वन इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन मोलर ठीक है अच्छा भाई साहब मतलब क्यू की वैल्यू वन अपॉन सी यू टू प्लस लिखनी थी है ना तो क्यों हो जाएगा वन अपॉन सी यू टू प्लस कितना टेन का पावर माइनस नाइनटीन ठीक है इसको अगर हम प्यार से लिखे तो हो जाए टेन का पावर नाइनटीन ऊपर ले जाओ अब तो जस्ट ये चिपका दो भाई साहब ई e की वैल्यू आपसे पूछिए नॉट e की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट थ्री फोर है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन एन की वैल्यू दो और लॉग क्यू तो लॉग टेन का पावर नाइनटीन ठीक है यस yes. इसको क्या लिख सकते हो जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन टू और लॉक टेन का पावर नाइनटीन को क्या लिखोगे नाइनटीन लॉक टेन तो नाइनटीन इन टू लॉक टेन क्या होता है वन होता है तो ई की वैल्यू सॉल्व करो इतना वोल्ट आएगा बताओ देखो आई आई टी उन्नीस सौ छियानवे बहुत दिन हो गए यार इतने पुराने क्वेश्चन है ठीक है पहले क्वेश्चन ज्यादा अच्छा आते थे अभी से ये सारे क्वेश्चन कर लो अभी की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटते आगे बढ़ू जल्दी बताओ यहां तक समझ आ गया अरे क्लियर है ऊपर चला गया हो गया सर दुख रहा है नहीं दुख रहा खाए नहीं हो तो दुखेगा भी हो सकते भाई साहब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में यार अब बहुत हो गई नोटंकी है ना चलो नेक्स्ट टॉपिक अपने कॉपी में लिखेंगे अब थियोरी आ गया थोड़ा सा ठीक है थियरी आ गया तुम्हारे सामने है ना डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल कई बार इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ठीक है हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक ये लिख लेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब जिस सेल में हम इलेक्ट्रोलिस करवाते थे और गैलवानिक cell मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ठीक है पहला डिफरेंस तो यही है तुम्हारे सामने देखो यहां पे कितना प्यारा सा पिक्चर है बनाओ <laughs> बनाओ इसको जिंदगी में अगर तुम ध्यान से देखो तो सारा डिफरेंस यहां पे लिखा ही हुआ है क्या क्या डिफरेंस सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर गैलवानिक सेल की बात करें ध्यान समझना ऐसा होता तो है कंस्ट्रक्शन अब एग्जाम में थोड़ी लिखोगे ऐसा होता है वो वैसा होता है तुम्हें तो पिक्चर बनाना पड़ेगा ठीक है तो गैलवानिक सेल में बेसिकली ध्यान से देखना जो एनोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ते थे वही तो एनोड बन जाता था ठीक है तो पहला जो डिफरेंस है है ना किसमें गलवनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सबसे मेन डिफरेंस तो यह है कि जो गैलवानिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा के केमिकल रिएक्शन करता है ठीक है सिंपल तो पहला तो ये डिफरेंस है उसके बाद दूसरा डिफरेंस कि गैलवानिक सेल का एनोड जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है इस इसपे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कई बार आपको एनोड बोलता नहीं है बोलता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ गैलवानिक सेल मींस क्या कह रहा है एनोड ठीक है, क्लियर अच्छा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या होगा? पॉजिटिव हो अच्छा। क्या होता है? एक होता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक नॉन अस्पटेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है तभी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी उस रिएक्शन को करवाने के लिए अच्छा गैलवनिक सेल में क्या कोई एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए नहीं चाहिए ये तो और क्या करता है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो बैटरी से जब हम क्या करते थे वोल्टेज सप्लाई तब यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो पाता था तो इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिक्वायर्स एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स और ये जो स्लाइड है वो तुम्हारे बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है है ना दो तीन मार्क्स में है ना पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल तो इसको तुम नोट कर चुके हो तो मैं जिंदगी में बढ़ जाता हूं आगे ठीक है हो गया दिखाना अभी ये सब तो लिखना है घर पे लिख लो अभी बाकी भी लिख ही रहे होंगे वैसे चुन्नू मुन्नू सब लिख लिए तो आगे बढ़े अरे समझ में आ गया तुम्हें अभी देखो नस्ट इक्वेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है मतलब नस्ट इक्वेशन तो पढ़ लिया कांस्टेंट निकालना सीख गए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सीख गए लेकिन अभी और भी क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन पे लेकिन उस पर अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया कहीं लोग पागल ना हो जाए तो इसलिए है ना बीच में थियोरी डालनी पड़ी है ठीक है चलो आगे बढ़े जल्दी बोलो बड़ी जाते हैं अब इसमें क्या पूछना है देखो अब जैसे मान लो अपन के पास एक गैलवनिक सेल है ठीक है अपन के पास क्या है? एक गैलवनिक सेल पड़ा हुआ है और उसको और कन्वर्ट करना है किसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में गैलवानिक सेल को अगर मुझे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है तो इस कन्वर्जन को करने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए इन दोनों ही सेल के गैल्वेनिक सेल क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें केमिकल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसका उल्टा है ना मतलब अगर मैं गैल्वेनिक सेल को सेल सेल में कन्वर्ट कर रहा हूं इसका मतलब जो अभी का नेचर है उसका उल्टा काम मैं कराना चाहता हूं ठीक है कैसे होगा उसके लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखें उसके लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखो जैसे जो गैल्वेनिक सेल है ध्यान देना गैल्वेनिक सेल है उसको अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो ठीक है, गैलवनिक सेल है जैसे डेनियल सेल की बात करें डेनियल सेल का जो e होता है वो कितना होता है कर रहे हो, वो कितना है अगर लेस देन क्या है? 1. 1 है तो वो गैलवानिक सेल जो है वो गैलवानिक सेल की तरह ही बिहेव करेगा मीनस उसमें रिएक्शन कौन सा होगा उसमें ये वाला रिएक्शन होगा जेडन का जो ऑक्सीडेशन होता था और कॉपर टू प्लस का रिडक्शन ये रिएक्शन होता है ना डेनियल सेल में बताओ यही तो होता है ये अपने आप होता है ठीक है हाँ तो जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 पॉइंट वोल्ट तक सप्लाई करते रहोगे तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी जो अपना सेल है वो गैल्वनिक सेल की तरह ही बिहेव करता रहेगा इस बात को फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है ठीक है कि वेन लेस देन वन वन वोल्ट, तो पे होगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स जो जेडन है वो जाएगा जेडन टू प्लस में दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ठीक है तो बेसिकली क्या होता है जेडन कौन है तो रॉड से जो जेड एटम है वो कहां पे आ जा रहे हैं सॉल्यूशन में जेड टू प्लस बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते थे इधर तो इसलिए क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां से फ्लो करेगा जेड के तरफ से किधर कॉपर की रॉड की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, फ्लो फ्रॉम जेड एन रॉड टू कॉपर रॉड हेंस करंट फ्लोस फ्रॉम उसका उल्टा डायरेक्शन मतलब कॉपर टू जेडन जैसा कि गैल्वेनिक सेल में ओरिजिनली होता आया है है ना दूसरी बात और क्या हो रही है ध्यान से देखो कि गैलवनिक सेल में मतलब जब एनोट पे हो रहा है ऑक्सीडेशन तो जेडन जो है वो टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है डिजोल्स एट एट इन फॉर्म ऑफ एक्वस एंड कॉपर क्योंकि फिर कैथोड पे क्या होता था रिडक्शन ये जो कॉपर टू प्लस जो कि कहां है सॉल्यूशन में है वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चला जाता था चिपक जाता था है ना इस प्लेट पे कॉपर की प्लेट पे ठीक है तो कॉपर डिपॉजिट होता था कैथोड पे दिस इज गैलवनिक सेल यस और नो तो क्या पहला केस तुम्हें क्लियर है कि जब ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो गैलवनिक सेल जो है वो गैलवनिक सेल की तरह ही भी हैप करेगा मतलब जितने फंक्शन है गैलवनिक सेल के वही सब होते रहेंगे इतनी बात क्लियर है पक्का झूठ नहीं है नहीं है ओके okay. तो फर्स्ट तुम नोट कर लो ये तीन पॉइंट अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है गैलवनिक सेल तुम पढ़े हो तो बात समझ में आती होगी ये नोट पे ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पे रिडक्शन होता है कौन डिसॉल्व होगा कौन डिपॉजिट होगा ये समझ में आता होगा अब देखो भाई साहब एक्सटर्नल वोल्टेज जो बैटरी यहां पे दिख रहा था तुम्हें इससे जब हम सप्लाई कर रहे थे लेस देन 1.1 वोल्ट तो गैलवनिक सेल जो है वो अभी भी गैलवर्निंग सेल की तरह ही बिहेव कर रहा है उसके बाद हमने वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाया बैटरी से एक्सटर्नल वोल्टेज हमने बढ़ा के कर दिया वन वोल्ट तो डेनियल सेल का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ है वो क्या है 1.1 वोल्ट है और एक्सटर्नल भी हमने क्या करा सप्लाई कर दिया 1.1 वोल्ट

तो क्या होगा ये रिएक्शन अब देखो भैया साहब ना फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी इक्लेबरियम पे रहेगी ठीक है तो जब हम ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट कर देते हैं तो फिर ये रिएक्शन भाई साहब होना बंद है ना तो उस टाइम क्या होगा कि अब इस सर्किट में कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करेंट क्लियर है अच्छा चूंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होगी नो केमिकल रिएक्शन तो ये रिएक्शन ही रुक जाएगी तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो है ना जितने फोर्स से तुम आगे बढ़ रहे हो उतने फोर्स तुम पे कोई लगा दे तुम आगे बढ़ पाओगे अब रुक जाओगे वहीं पे वही हुआ है तो बी पिक्चर भी सब लोग नोट कर लें। इससे मेन में बहुत क्वेश्चन आए हैं 2020 में भी आए हैं 2007 में भी आए 2016 में भी आया सिर्फ इस तीन पिक्चर से ये का पिक्चर है गैलवन सेल जब तुम टॉपिक देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो शायद फर्स्ट ही पेज में मिल जाएगा गेलवनिक सेल के ये तो दो केस मैंने समझा दिया बताओ अगर यहां तक बात क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी बताओ यस और नो आगे बढ़े नहीं लिख लो लिख लो नहीं तो बाद में बोलो कि सर नोट्स बनाने का टाइम नहीं देते हैं पहला केस ये था दूसरा केस ये था तीसरा बचा है हो जाए तो बता देना नहीं नहीं लिख लो लिख लो यस हो गया अच्छा तीसरा समझा देता हूं। ठीक है है अब अब जैसे अब देखो ध्यान से 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 पहले क्या था बैटरी हमने है ना थोड़ा थोड़ा कम 1 .1 कम पोटेंशियल पोटेंशियल सप्लाई किया कितना 1.1 1.1 वोल्ट उसके बाद बढ़ाया 1 .1 के बराबर अब कहा कि यार मन नहीं थोड़ा और बढ़ा देते हैं मतलब क्या किया हमने ई मतलब मतलब जो एक्चुअल में है ना सेल की दूसरे तो से केस में, में. में बराबर वोल्टेज सप्लाई किया तो रिएक्शन रुक गया अब तीसरे केस में जब हमने एक्सटर्नली ज्यादा सप्लाई कर दिया वोल्टेज तो क्या होगा ये रिएक्शन अब बैकवर्ड में होने लगेगा क्या ये बात सब क्लियर है अरे देखो जैसे मान लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में ठीक है और तुम पे कोई फोर्स लगा रहा है लेकिन जिस फोर्स से तुम आगे बढ़ रहे हो उससे कम फोर्स लगाएगा तो तुम आगे बढ़ते रहोगे यस और नो ऑब्वियसली लेकिन जितने फोर्स से तुम आगे बढ़ रहे हो कोई उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तुम पे लगा दे तो रुक जाओगे और एक तीसरा मान लो आया बॉडी बिल्डर ठीक है जिस फोर्स से तुम आगे बढ़ रहे थे उससे ज्यादा फोर्स उसने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो क्या तुम रिवर्स में नहीं भागने लगोगे तो वही तो यहां पे हुआ है गैल्वेनिक सेल के साथ गैल्वेनिक सेल की है ना लोगों ने बैंड वजह रखी यहां पे है ना ज्यादा पोटेंशियल बाहर से सप्लाई कर दिया मतलब रिएक्शन क्या हो गया उल्टा रिएक्शन जब हो गया उल्टा तो अब ध्यान से देखो बेसिकली क्या होगा ध्यान से देखो बेसिकली क्या होगा रिएक्शन को उलट करके लिखो जरा तो जेडन टू प्लस एक्वस है ना प्लस कॉपर सॉलिड है ना ये बनाने लगेगा अब जेडन सॉलिड और प्लस क्या हो जाएगा कॉपर टू प्लस एक्वस बात समझ में आता है यस और नो ऑब्वियसली ठीक है ये हो गई कहानी ठीक है तो जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन वन वोल्ट करा तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा गैलवानिक सेल में कहां से कहां से से हो रहा था ध्यान देखना जरा जेडन इलेक्ट्रोड से कॉपर अब उसका उल्टा हो जाएगा कॉपर टू जेड एंड करेंट फ्लो फ्रॉम जेड टू सी है ना साथ में जिंक इज डिपोजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड वो तो दिख ही रहा है ना अब जेड टू प्लस क्या बना रहा है जेड मतलब जिंक क्या होगा डिपॉजिट होने लगेगा ठीक है जिंक इलेक्ट्रोड के पास ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है तो अब क्या होगा जेडन टू प्लस जो सोल्यूशन है वो चल चल के जेडन है ना रॉड पे जाके चिपकना शुरू कर देगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात कर लें कॉपर कॉपर सेट इलेक्ट्रोड वो तो दिख ही रहा है कि कॉपर सॉलिड कहां कन्वर्ट हो रहा है कॉपर टू प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब कॉपर जो है रॉड से है ना आने लगा किधर आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में ठीक है साहब साफ साफ ध्यान से देखो भाई साहब ध्यान से देखना जरा है ना प्यार से ये था गैल्वेनिक सेल फर्स्ट वाला और ये अभी थर्ड वाले केस में किस में किस कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज बो, हम क्या कर रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं नॉन अस्पटेनियस रिएक्शन हो रहा है ठीक है तो ये रिएक्शन उसका उल्टा क्या है नॉन अस्पटेनियस तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है नॉन अस्पटेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है क्लियर है बात अब ध्यान से देखना जो गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कौन था जिंक वाला था अब ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कौन बन गया कॉपर मीन जब आप गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करोगे है ना तो जो गैल्वेनिक सेल में एनोड है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड की तरह बिहेव करेगा जो गैल्वेनिक सेल में कैथोड है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब देखते हैं तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा था अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों ही सेल में एनोड टू कैथोड ही होता है इसको समझने की कोशिश करें इसको आप समझने की कोशिश करें ठीक है अब मैं यहां पर एक घंटे तो नहीं ले सकता है ना एक घंटे में आपको मैं अब नहीं समझा सकता चीजें कि देखो ये निगेटिव बना ये पॉजिटिव बना जैसे हमने यहाँ पे अभी समझाया था कि जब जेडन जेडन टू प्लस में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रॉड पे छूट जाएगा तो अब यही इलेक्ट्रॉन तो आगे फ्लो करेंगे तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां एनोड से हुआ से कैथोड की तरह सिमिलरली अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब कॉपर जो है वो तो कॉपर टू प्लस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छूट गए तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में ठीक है तो एनोड से ही कैथोड की तरह अभी भी हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले भी एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन एक फर्क है कि जब गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगा तो एनोड और कैथोड एक्सचेंज हो गया एक्सचेंज हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक अरे भाई साहब जो डेनियल सेल है डेनियल सेल क्या है समझते हम जेडन का यह नोट कॉपर का क्या फिर सोल्ट ब्रिज ये सब लगाया है, है ना सर्किट कंप्लीट किया है ना पोटेंशियल यहां पे जो वोल्ट मीटर तुमने लगाया ये कितना मेजर करेगा 1.1 पॉइंट वोल्ट मेजर करेगा अब क्या कर रहे हैं कि इस सेल में हमने बाहर से एक बैटरी जोड़ दी ठीक है तो वो क्या हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज क्लियर समझ में आ गया अरे तो इक्लिवरियम पे आएगा जब एक्सटर्नल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल के तो बराबर कह सकते रिएक्शन रुक गया था ना फॉरवर्ड में ना बैकवर्ड में है ना सेल जो है वो डिस्चार्ज की तरह करेगा डिस्चार्ज सेल देखो उसमें रिएक्शन ही नहीं होती है मतलब जब ई एक्सटर्नल इज इक्वल गैल्वेनिक सेल

इसको नहीं लिखना है वो हो गया ओके okay. चलो कुछ नोट्स में बनवा देता हूं पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो व्हेन व्हेन गैल्वेनिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन गैल्वेनिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू electrolytic cell then then first point first point the flow of electron the flow of electron in in both the in both the cases in both the cases are from anode to cathode in both the cases आर फ्रॉम आर फ्रॉम एनोड टू कैथोड एनोड से कैथोड इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोड से कैथोड इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सेकेंड द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्लो ऑफ करेंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन बोथ द केसेज इन बोथ द केसेज एनोड एंड कैथोड गेट्स इंटरचेंज एनोड एंड कैथोड गेट लिखना सिर्फ गेट इंटरचेंज ठीक है मतलब जो गैल्वनिक सेल का एनोड है वो जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनेगा तो वही वाला इलेक्ट्रोड अब कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा ठीक है जस्ट ये हुआ मतलब ठीक है ये तीन फिगर आपको बहुत अच्छे से अगर क्लियर है तो आपके सामने अब सवालों की झड़ी लगाई जाएगी इस वाले कॉन्सेप्ट पे आई होप कि चीजें क्लियर है यहां तक जल्दी से बताओ तुम्हें यहां तक बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं है क्लियर झूठ सच नहीं नहीं है ना क्लियर मतलब आगे बढ़ सकते हैं ओके तो मजाक कर रहा था डर लगता है ना नहीं लगता बनाओ फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो बहुत मारेंगे तुम्हें तो डर नहीं लगता है? मैं बताता हूं डरते कैसे लोग ये क्वेश्चन बनाए सब लोग पहले आंसर बताओ कौन सा आएगा आंसर अच्छा हट जाऊं मैं चला जाऊं मैं आंसर बता जल्दी पहले आंसर तो बता दे तब लिख लीज फोर्थ आंसर अच्छा जी देखते हैं फोर्थ कौन सा फोर्थ यस 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 देखो भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन था ठीक है कह रहा है वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख भी दिया ई एक्सटर्नल ज अप्लाइड टू द सेल सेल क्या है जेडन जेडन टू प्लस तो ये क्या हो गया एनोड ठीक है सोल्ट ब्रिज कॉपर टू प्लस ए कॉपर ये क्या हो गया कैथोडेंशियल्टेन ई एक्सटर्नल इज लेस देन वन पॉइंट वन वोल्ट एंड ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन वन पॉइंट वन वोल्ट रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अब देखो जब ई एक्सटर्नल लेस देन वन पॉइंट वन वोल्ट होगा तो यह जो सेल है वो कैसे बिहेव करेगा सेल की तरफ और जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा सेल अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ है ना तरह है ना और दोनों में अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की बात करें तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां कहां से से होता था एनोड कैथोड की तरफ ही इलेक्ट्रॉन क्या करते थे फ्लो करते थे इसको अगर आप चाहो तो ट्रिक के माध्यम से डायरेक्टली याद रख सकते हो एस कभी तुमने नाम सुना होगा वो वाली एस नहीं ऐश्वर्या वाली नहीं दूसरी वाली ठीक है मतलब ए नोट टू कैठोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है है ना एस ए टू कैठोड इलेक्ट्रॉन का होगा फ्लो दोनों ही सेल में क्लियर समझ आ गया बात तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ होगा यह पूछा हुआ क्वेश्चन 2016 का ऑनलाइन पेपर में जय मेन समझे आगे बढ़े ये याद हो जाएगा अब ओके एक ये भयानक सा क्वेश्चन है ना देख लो तुम इसको देख के डर नहीं गए तो मुझे बताना सबको क्वेश्चन दिख रहा है हाँ मैं बैठ जाता हूं तब देखिएगा लो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसका आंसर बता दे भाई बस आज की क्लास हम कसम से यहीं रोक देंगे और भी है वैसे क्वेश्चन तो आंसर बताए इस क्वेश्चन का जल्दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना है टू पॉइंट टू अरे वो ऑप्शन यार टाइपिंग के वक्त ना वन टू थ्री फोर ऐसे ही रह गए चलो ठीक है तुम टू पॉइंट टू ही बोलो इनकरेक्ट बताना था ये ध्यान देना तुम आंसर बताओगे पहले कि लिखोगे इसको देख लिया ये क्या है क्या ये क्या ये गैलवानिक सेल नहीं दिखता है Zn रॉड निगेटिव क्यों लिखा है क्योंकि जेड एन जो है वो जा रहा होगा कहा सॉल्यूशन में जेड एन टू प्लस के फॉर्म में तभी तो इसके दो इलेक्ट्रॉन यहीं पे छूट गए तो ये नेगेटिव बन गया मतलब इस रॉड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये क्या हो गया एनोड हो गया ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है फिर दूसरा क्या होगा कैथोड होगा समझ में आ रहा है हाँ। और ये गैल्वेनिक सेल लेफ्ट में में लिखा है है एनोड राइट कैथोड ठीक चलो अब इसका लिए देखो ई नोट दिया हुआ है अगर इस पूरे सेल का ई नोट निकालो तो ऑब्वियस सी बात है डेनियल सेल पॉइंट वन वोल्ट ही आएगा तो उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अपन को इनकरेक्ट बताना है अब कुछ लोग जल्दीबाजी चूज कर लेते हैं पहला वाला जो है ना लेकिन ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि अपन को इनकरेक्ट चूज करना है दिस इज करेक्ट जल्दीबाजी में आ जाना उसके बाद इफ ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन वन पॉइंट वन वोल्ट मतलब क्या हो गया सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ये क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैथोड क्लियर हाँ एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है तो कॉपर जो है वो कहा जाएगा कॉपर टू प्लस में कैथोड पे होता है रिडक्शन मतलब जेडन टू प्लस कहां जाएगा जेडन में अब आगे स्टेटमेंट पढ़ लो सब कि जेडन डिजॉल एट जेडन इलेक्ट्रोड है उल्टा बोल रहा है क्या ऑबियस बात है Zn2+ जो है वो डिजोल्व नहीं हो रहा है जबकि डिपॉजिट हो रहा है एस फॉर्म ऑफ Zn तो Zn डिजोल्व एट Zn इलेक्ट्रोड नहीं गलत बात ठीक है एंड कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं साहब कॉपर जो है वो कॉपर 2+ बना के सॉल्यूशन में आ जाएगा तब ठीक है ये सॉल्यूशन से आके कॉपर डिपॉजिट नहीं होने वाला मतलब ऑप्शन जो बी है वो क्या है इनकरेक्ट है और यही अपना क्या है सही आंसर है क्लियर है बात ये पूछा हुआ है 2020 हजार बीस मेन है ना जेई मेन देख लेना तुम 2020 शायद फोर्थ सेप्टेंबर मॉर्निंग शिफ्ट में यह पूछा हुआ है ठीक है तो इसको अगर तुम याद करने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे सिंपली तुम देखो भाई साहब सिंपल सी बात है कैथोड पे रिडक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन अगर इतना ही हम याद रखें फिर ट्रिक बता दिया फ्लो ऑफ करेंट का एस सीधा याद रखो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी में कष्ट नहीं होगा ठीक है चलो उसके बाद ये है क्वेश्चन ध्यान से देखो हाँ ये दिया हुआ था हाँ, पिछले में हुआ था ना इस वाले क्वेश्चन में उसने फिगर नहीं दिया था डायरेक्टली पूछ लिया था अब वहां पे क्या था ना डिपॉजिट कहा सब बोलना था ना इसलिए फिगर भी मतलब इजी करने के लिए बना के दिया हुआ था ठीक है चलो ये क्वेश्चन बना के तुम दिखाओ इस क्वेश्चन को बनाओ कंप्लीटली डिस्चार्ज बोला है मतलब क्या आज ही मैंने बताया कंप्लीटली डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है अभी कुछ देर पहले बोला था याद करो क्या होता है कंप्लीटली डिस्चार्ज का मतलब आज ही बताया है देखो जेई मेन वालों ने बोला कि फर्स्ट केस और थर्ड केस को तो भाव लोग देते ही है सेकेंड केस वाले को क्यों छोड़े याद आए सेकेंड केस सेकेंड केस में मैंने बोला था ये जो मैंने अभी फिगर डिस्कस किया था इसमें ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला था कि ये जो ई e एक्सटर्नल जब तुम है ना इम एफ ऑफ गैलवनिक सेल के बराबर सप्लाई कर दोगे तो नो केमिकल रिएक्शन मतलब सेल जो है वो डिस्चार्ज सेल की तरह बिहेव करेगा तो फुली डिस्चार्ज का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन मतलब बोलेंगे कि सेल जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है है ना सेल क्या हो चुका है जीरो हो चुका है ठीक है सिंपल तो अभी क्वेश्चन तो आ जाओ पहले अबे आगे बढ़ो जिंदगी में कर गया? अच्छा सॉरी <laughs> रुक जाओ हैंग कर गया. हम तो पढ़ा रहे थे भाई साहब तो भी कर गया क्वेश्चन क्या था अच्छा ये था हाँ भाई साहब तो कंप्लीटली डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा ई सेल इज इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा ये वाली वैल्यू अपन को पूछी है ना तो ई e सेल क्या होता है ये होता है सर ई नॉट सेल माइनस है ना टेम्परेचर देखो तो कुछ लिखा है कहीं पे मतलब 0.059 यूज कर सकते अपॉन ये डेनियल की वैल्यू याद हो reaction, की लिखो न, ZN goes to क्या हो रहा है रिएक्शन कॉपर टू प्लस एक्व प्लस टू इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन आता है जेडन प्लस गोज टू टू प्लस प्लस कॉपर यह सब मुज जवानी याद होना चाहिए तुम्हें. ये सब लिखने की अब जरूरत नहीं चाहिए. ठीक है. तो 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 सिंपल पे ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम Q Q लिखें, क्या तो क्या आएगा? Upon आएगा. Product upon reactant concentration. तो log Q क्या हो जाएगा? बताओ कुछ इस तरीके से लिखोगे ऑब्वियस डिस्चार्ज नॉट सेल क्या है 1 .1 टू लॉग लॉग जेड एन टू प्लस कंसंट्रेशन अपॉन सी यू टू प्लस टू जीरोड बाई कॉपर टू प्लस दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट वन ठीक है इसको अगर चाहो तो इसी स्टेप में उड़ा सकते हो इस दो को ले चले जाओ इधर मल्टीप्लाई में है ना और इसको अगर ले जाए इधर तो डिवीजन में ठीक है थीके? इतना आएगा अब बताओ कितना आएगा देखो फोर से थोड़ा सा कम आएगा शायद ये ध्यान से कितना आ रहा है सॉल्व करो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अपन को सिर्फ ये पूछा है ठीक है मतलब इसका एंटीलॉग अपन को बताना पड़ेगा जल्दी जल्दी बताएं जल्दी कितना आ रहा है अरे 2.2 पॉइंट टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ऑप्शन सी आ रहा है तुम्हारा 10 का पावर 37.3 सेवन पॉइंट थ्री सच्ची में मजाक नहीं कर रहे हो ऑप्शन में बताता हूँ कौन सा सही है सॉल्व अब तुम घर पे तो कर ही सकते हो इतनी तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी ये तुम्हारे जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई का ये सही है भाई साहब आ, आ, आ रहा है टेन का पावर थर्टी सेवन पॉइंट थ्री मान ये कुछ आ रहा होगा थर्टी सेवन पॉइंट थ्री आ रहा है शायद ठीक है ये वाली वैल्यू सॉल्व करो थर्टी सेवन पॉइंट थ्री आएगी फिर आई ये वाली वैल्यू आ रही है थर्टी सेवन पॉइंट थ्री तो अगर यहां पे हम बोले जेडन टू प्लस अपॉन कॉपर टू प्लस तो ऑप्शन के हिसाब से देख के साफ साफ बोल सकते ये होगा टेन का पावर थर्टी सेवन पॉइंट थ्री। इसी का लॉग लेंगे तो थर्टी। थर्टी तो तो आएगा आएगा इस नंबर का लॉग क्लियर क्लियर द आंसर इज ऑप्शन तो आज हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की सारे कहानी करी है। के सेल में क्या डिफरेंस होता है और तीनों ही केस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब करा दिया एनसीआरटी भी तुम्हारा कवर हो गया ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है सो थैंक यू वेरी मच हंसते रहो मुस्कुराते रहो उसके पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देके जाता हूं अगर ये आज पीसी काम कर गया तो हाँ जरा इस क्वेश्चन का आंसर तुम बताना मेरे को अगले क्लास में इतने क्वेश्चन करा दिए ना इस क्वेश्चन का आंसर बताना बहुत पहले आए ये तो बहुत पहले भगवान जी प्लानिंग भी नहीं कर रहे थे तब हमें भेजने का तभी आ गया ये ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है थैंक यू वेरी मच है ना मस्त रहो व्यस्त रहो और जबरदस्त रहो